एक जंगल में भालू अपने दोस्त बंदर और बास के साथ रहता था। एक दुर्घटना में भालू अपने माता पिता से उस जंगल में बिछड़ गया था। उस दिन से भालू बंदर और बास दोस्त बनकर रहने लगा। एक सुबह जब सूर्य की किरणें उस गुफा में पड़ी, भालू ने उठकर भगवान हनुमान का नमस्कार किया। तब तक भालू के दोस्त बंदर और बाज जाग गए थे और उन्होंने भालू को सुप्रभात कहा। नहा धोकर तीनों नजदीक के पेड़ों से फल लेके आए। इस बीच गुरुजी आते हैं। भालू ने हनुमान जी को चढ़ाए हुए फल गुरुजी को दिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन तीनों को फल और सब्जियां दी। गुरुजी भालू को 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी के पढ़ाए हुए पाठ उसकी समझ में आता था। बंदर और बाज गुरुजी के बताए हुए भाषा और पाठ समझने के बावजूद बात नहीं कर सकते। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर है और इंसानों को इन्हीं शक्तियों से महान काम करना चाहिए। पढ़ाई के बाद भालू और उनके दोस्तों ने गुरुजी को भेजा। इतने में उनको ढोल की आवाज सुनाई दी। तीनों एक पेड़ पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रहे हैं। दूर कुछ आदिवासी लोग ढोल बजाकर घोषित कर रहे हैं कि एक गेंडा आदमियों को परेशान कर रहा है और जो कोई उस गेंडे को मारता है उसको पुरस्कार मिलेगा। भालू और उसके दोस्तों ने उस गेंडे को मारने का फैसला लिया। भालू उन आदिवासियों के प्रधान के पास जाकर नमस्कार करता है। गैंडा कहाँ मिलेगा? मैं उसे मारूंगा। वहाँ के सभी लोग भालू की बात सुनकर हंसने लगे कि एक छोटा सा लड़का उस गैंडे को क्या मारेगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस जानवर को मारूंगा। उस बच्चे की हिम्मत को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तुम्हारे जान की उत्तरदारी नहीं है। ठीक है।
यही वो जगह है जहां मैं निर्णय लेकर दोषी को सजा देता हूं। रात को एक गैंडा आकर लोगों पर हमला करेगा। अगर यहां कोई नहीं है तो गैंडा गांव में आ जाए। उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा। आदिवासियों के प्रधान ने बालू को सब कुछ समझाया। महोदय, मुझे आपका सहायता चाहिए। अपने लोगों की सहायता से प्रधान ने उन सब की व्यवस्था की जैसे बालू ने बताया था। कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदा और उस पर एक चटाई बिछाई। कुछ लोगों ने पत्थर में भाला बोका और उस पर चादर ओढ़ा। भालू, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है। वो गेंडा तुम्हें मार देगा। अभी सब लोग गांव चले जाओ या पेड़ पर चढ़ जाओ। इस बीच बंदर और बाज ने इशारा किया कि गैंडा आ रहा है। मैं उसे मार दूंगा या उसका आहार बन जाऊंगा। तुम सभी सुरक्षित स्थानों पे चले जाओ। इसे लो, तुम्हें कुछ मदद मिलेगा। सभी पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। बालू ने उस गैंडे की सींग को जमीन पर कसकर दबाया। गैंडा गुस्से से अपने सिर को जमीन पर मारा। उससे जमीन पर चिंगारियां आने लगी। गैंडा उस आग में जल गया। वह राख दानों में बदल गया। दानव ने बालू पर हमला किया। दानव बालू के पीछे भागा। एक जगह आकर दानव चटाई पर चढ़ गए
जिसे लोगों ने गड्ढे पर बिछाया था। दानव उस गड्ढे में गिर गया। बालू ने कुल्हाड़ी से उसका सींग काट दिया। आखिरकार गैंडा मर गया क्योंकि उसकी जान सींग में था। पेड़ पर से सभी लोग उतरकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगले दिन प्रधान ने बालू को सम्मानित किया। सज्जनों, दानव अपने अस्तित्व बदल के दूसरे रूप में इधर उधर घूम रहे हैं। गैंडे के बारे में सुनकर मुझे लगा ये जरूर कोई दानव है, इसीलिए मैं प्रधान की मदद से उसे मारने का निर्णय लिया। अभी आप सुरक्षित हैं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे बालू बच्चा ही है, लेकिन उसका दिल बड़ों जैसा है। पैसा वापस ले लो। गांव वालों ने बालू की प्रसन्नता की और पैसे वापस कर दिए। बालू उनको धन्यवाद बोलकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही बालू और उसके दोस्त सागर के पास पहुंचे, एक नाव उनके करीब आकर रुका। चलो हम इस नाव पर सैर करते हैं। ठीक है, चलो। बालू और उसकी दोस्त नाव पर निकले। दोपहर का समय था। वे लोग इतने दूर चले गए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वापस जंगल में कैसे जाएं। इतने में कुछ पक्षी उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। तब बालू ने उस तरफ देखा जिस तरफ से वो पक्षी आ रहे थे। बहुत दूर एक द्वीप दिखाई दिया। वे उस द्वीप की ओर बढ़ने लगी। आप कौन है? जो भी हमारे द्वीप में आते हैं, हम उन्हें अपने प्रधान के पास ले जाते हैं। ये उनकी आज्ञा है। चलो चलते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? उस हिरन को त्याग के लिए सिद्ध कर रहा है। त्याग किसके लिए? हमारे द्वीप की दूसरी ओर एक दानव है। वो दानव बहुत सारे जानवरों को मारकर उनका खून पी जाता था। हमारे प्रधान ने उस दानव को मारने की बहुत कोशिश की, पर वे हार गए। तब हमारे प्रधान ने
उस दानव के साथ एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? महीने में एक या दो बार एक जानवर को उसके गुफा के पास भेजना है। तब उस दानव ने हमारे द्वीप पर ना आने की वचन दी। उन जानवरों का वो क्या करेगा? उसे जानवरों का खून पसंद है। वो दानव उन जानवरों का मारकर खून पिएगा। इस बात को सुनते ही बालू को अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए राकुला की कहानी याद आई। जय बजरंगबली। कौन हो तुम? मैं बालू हूँ। मैं नजदीक के जंगल में रहता हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हो? बालू ने हिरन को देखा। वह डर के मारे कांप रहा था। प्रभु, एक ओंकार ड्राकुला को एक नादान जानवर का बलि चढ़ाना उचित नहीं है। ये मेरे द्वीप का मामला है, इसमें तुम टांग ना अड़ाओ तो अच्छा है। ये केवल आपका द्वीप का मामला नहीं है, ये सभी जानवरों का मामला है। मैं आपका ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर आप में दम है तो उस दानव का अंत कीजिए, नहीं तो उसके हाथों अपने जान दे दीजिए। क्या तुम उसका आहार बनोगे? हाँ, मैं बनूंगा। बालू के बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु, चलिए मुझे ड्राकुला की जगह दिखाइए। शाम के समय प्रधान और उनके आदमी बालू को उस ड्राकुला के गुफा के पास ले गए। यही उस दानव का गुफा है। बालू, मैं सही दिल से तुम्हें सराहता हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है प्रभु, मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अब देर नहीं करनी चाहिए, आप वापस जाइए। तुम्हारे गुफा के अंदर जाने के बाद दानव बाहर आकर बता देगा कि उसका भूख मिट गया, तब हम वापस चले जाएंगे। हर बार यही चलता है। बालू अपने दोस्तों के साथ छुरियां और रस्सी लेकर गुफा में प्रवेश करता है। आज मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है, मैं तुम सबको खून पी जाऊंगा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे नुकीली दांत तोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा खा लूंगा। मेरा शरीर इतना ठोस है कि तुम्हारे नाखून टूट जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपमान करोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने बातों से समय बर्बाद मत करो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे ऊपर वार करो। चील और बाज ने मिलकर कुछ छुरियों की जमीन में घड़ा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। Oh!
भालू के द्वारा पकड़े हुए ड्रैकुला को देख के प्रधान और उसके आदमी आश्चर्यचकित हो गए। इस ड्रैकुला को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, इसीलिए मैंने ड्रैकुला को नहीं मारा। उसे गांव के बीच में बांध दीजिए, तब गांव के हर आदमी को इस दानव का डर नहीं रहेगा। उसको काने को मत दो, कुछ दिनों में वो मर जाएगा। प्रधान और उसके आदमी बालू के साहस को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी प्रसन्नता की। प्रधान के आदमियों की मदद से बालू वापस जंगल की ओर प्रस्थान किया। सुप्रभात साथियों, सब कुछ ठीक है? हमने रात भर नहीं सोया, हम लोग डर से मर रहे हैं। बताओ क्या हुआ? एक दानव जंगल में घुस आया है, वो सभी जानवरों को मारकर खा रहा है। हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दया करके उसे मार कर हमें बचाओ। ठीक है, चलो। वो उस पार है, अगर हम देखेगा तो हमें कालेगा। इन जानवरों को खाकर मैं डूब गया हूँ, आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। उन मासूम जानवरों को खाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक दानव हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इतने जानवरों को खाने के बावजूद भी मेरा भूख नहीं मिट रही। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, ये बीमारी ही है, उसका एक इलाज है। बताओ क्या है? नजदीक में एक मगरमच्छ का तालाब है, अगर मैं उस तालाब से दो मगरमच्छ खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। ठीक है, उस तालाब के पास जाओ और खुद दो मगरमच्छ पकड़कर खा लो, तुम्हारी भूख और बीमारी दोनों मिट जाएगी। मैं अगर वहां जाऊंगा तो वो बहुत सारे मगरमच्छ मेरे ऊपर वार करेंगे। तुम जाओ और दो मगरमच्छ को ले आओ। ठीक है, मैं जाऊंगा और दो मगरमच्छ लेकर आऊंगा।
मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालूंगा, मगर तुम्हारे भूख मिट जाने के बाद उन मासूम जानवरों को नहीं खाओगे। ठीक है, मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, तो मुझे मगरमच्छ तालाब का रास्ता दिखाओ। दानो बालू को अपने हाथ पे लेकर उड़ने लगा। उसके उड़ने से बालू उड़ा और मगरमच्छ तालाब में गिरा। बालू को समझ में नहीं आया कि उस तालाब से कैसे निकले। तालाब के तट पर दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। क्या उस लड़के का भागने का कोई रास्ता है? एक ही रास्ता है, उसे अपने दोनों हाथ दो मगरमच्छ के मुंह में रखकर तट की ओर तैरना है। बालू को उन दोनों पक्षियों की बात समझ में आ गई, क्योंकि उसको पक्षियों की भाषा आती है। उसने वैसा ही किया जैसे मैना ने कहा और तट तक पहुंच गया, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। दानव ने दोनों मगरमच्छ को खा लिया। हा, 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 हा। मुझे उस बच्चे पर तरस आ रहा है, उसने दोनों हाथ खो दिए। क्या उसके दोनों हाथ फिर से वापस आने की संभावना है? नजदीक में एक मंदिर है, अगर ये बच्चा उस मंदिर पे जाके प्रार्थना करे तो उसकी कामना जरूर पूरी होगी। उस मैना की बात सुनकर बालू मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने देवी से अपनी हाथों के लिए प्रार्थना की। देवी प्रकट होकर उसके दोनों हाथ उसके वापस दे दिए। और देवी ने उसकी रक्षा के लिए एक रुद्राक्ष भी दिया। शुक्रिया माँ, आपके दर्शन के लिए धन्यवाद। बालू रुद्राक्ष को अपने हाथ में बांध लिया। उस शक्ति से उसने दानव के हाथ पैर तोड़ दिए। दोनों मगरमच्छ को खाने के बावजूद तुम्हारी भूख नहीं मिटी, तुम मुझे खाने के लिए आ गए। तुम कंकाल से मुझे डराने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं मार सकते, कोई मेरे भूख नहीं मिटा सके। बालू कुछ देर सोचने के बाद रुद्राक्ष को दानव के पेट पर बांधे। रुद्राक्ष के असर से दानव का भूख मिट गया। तुम एक चालाक लड़के हो, अब मेरी भूख मिट गई। अभी से तुम जानवरों को नहीं खाओगे। ठीक है, मैं कोई जानवर नहीं खाऊंगा, मैं शाकाहारी बन जाऊंगा।
आज से तुम सब मेरे दोस्त हो। बालू, हम सब का जिगरी दोस्ती है। चलो हम सब मिलके उसे शुभकामनाएं देते हैं। बालू प्रसन्न होकर अपने गुफा में लौट गया। एक दिन बालू के गुरुजी उन्हें पाठ पढ़ाकर थोड़े फल दिए। बालू, पास में सुगंध नाम का एक राज्य है। उस राज्य का पालन राजा दयानिधि कर रहा है। राजा हर देश के प्रतिनिधियों को तरह तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रतियोगिता में जीते वालों को सोने या पैसे के रूप में बहुमति दी जाएगी। चलो चलते हैं। सब लोग मिलकर सुगंध राज्य के लिए रवाना हो गए। उस राज्य में प्रतियोगिता राजा मंत्री और सेनापतियों के उपलक्ष में आयोजन किया गया। अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधियों ने आकर उस प्रतियोगिता में भाग लिया। बालू ने बहुत सारे प्रतियोगिता जीती। अब ज्ञान की परीक्षा है। सभी प्रतियोगी उसमें नाकाम रहे। अब बालू की बारी। उसने हर सवाल के जवाब दिए। वहां के सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अंधेरा होने के कारण पुरस्कार प्रस्तुति अगले दिन रखी गई।
हर प्रतियोगी को रहने के लिए और काने का इंतजाम किया गया। वे काने का कर सो गए। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं एक हीरों का व्यापार का नौकर हूं। जब मैं और मेरे प्रभु कुछ कीमती सामानों लेकर राज में प्रवेश कर रहे थे, कुछ चोरों ने हम पर हमला किया। मेरे प्रभु उनसे लड़ रहा है। दया करके मेरे साथ आकर मेरे प्रभु और धन की रक्षा कीजिए। चलो चलते हैं। चोर उनसे लड़ नहीं पाए और भागने की कोशिश की। थोड़ी दूर जाने की बाद बालू ने उस चोर को रोका और उसे हीरों का तैली छीन ली। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बालू, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं कल राजा के सामने तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। कल राज दरबार में जरूर आना। प्रभु, आपके कहने के अनुसार जब मैं हीरे लेके आ रहा था तो कुछ चोरों ने मुझ पर हमला किया। तब इन पांच युवकों ने मुझे बचाया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। प्रिय व्यापारी, मैं आपके इस सोच के लिए प्रसन्नित हूँ, लेकिन जैसे ही आपने इस राज्य में कदम रखा तभी आपके और आपके धन की रक्षा करना हमारा फर्ज है। इसीलिए उन युवकों को सम्मान हम करेंगे, ये हमारा फर्ज है। हे योदा, बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए और शादी भी करना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? मुझे सोने की गहना चाहिए। मुझे बहुत पैसे चाहिए। बालू, कल तुमने प्रतियोगिता में जीता, मैंने तुम्हारे लिए कश्मीर से हीरे मंगवाए, कृपा उन्हें स्वीकार करो। मुझे पैसे और प्रसिद्धि की कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया करके उन हीरे और पैसों को बाकी प्रतिनिधियों को दे दीजिए।
ठीक है, रहने दो। हीरों को बचाने वाले युवकों की इच्छा पूरी करते हैं। तुम भी अपने लिए कुछ मांग सकते हो। प्रभु, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। इस राज्य के नागरिक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि इस राज्य के लोगों की मदद करूं। इसीलिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बालू, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि तुम्हें इस राज्य और राजधन का कितना प्यार है। मैं तुम्हारी निर्णय से बहुत खुश हूँ कि तुमने इनाम को दूसरों प्रतियोगिता को देने का कहा। तुम कभी भी मुझसे कोई भी मांग सकते हो। जानवर इधर उधर भाग रहे हैं जैसे जंगल में कुछ हुआ हो। क्या हुआ, उतने परेशान क्यों हो? हमारे जंगल के पास सुवर्णदेश नाम का एक राज्य है। राजा प्रताप सिंह उस राज्य के राजा है। राजा हमारे जंगल में आकर आदेश दिया कि हम इस गांव को खाली कर दे। वो डरा भी रहा है कि जो कोई उस आज्ञा को पालन नहीं करेगा उससे मार दिया जाएगा। हम यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं। यह जंगल ही हमारी आमदन है। हमें बेचने का उन्हें कोई हक नहीं है। चलो चलकर पूछते हैं। राजा बहुत गुस्से में है, वो किसी की नहीं सुनेगा। अगर हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वह हमें मारेंगे, इसीलिए हम डरकर भाग रहे हैं। ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाकर पूछूंगा। कौन हो तुम? मैं बालू हूँ। मैं इस जंगल में रहता हूँ।
मैं पूछने आया हूँ कि आप यहाँ के लोगों को क्यों भेज रहे हो। हमारे राजा को इस जंगल में किसी का रहना पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने आज्ञा दी है कि सभी चले जाए। कुछ लोगों ने इनकार किया, इसीलिए उन्होंने दंड दे रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, आप उन्हें जबरदस्त क्यों भेज रहे हैं? हमें यह जंगल चाहिए, अगर तुम भी इनकार करते तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। बालू के सीटी की आवाज सुनकर बंदर और बाज दूसरे जानवरों को लेकर राजधानी पहुंचे। सैनिक घबरा गए और उन्होंने जानवरों पर हमला बोला। बालू ने उन जानवरों को ना हिलने की संकेत दी, तब जानवर सैनिकों के पास खड़े हो गए। क्या ये जानवर तुम्हारी सैनिक है? नहीं महाराज, वो मेरा दोस्त है। क्या तुम इन जानवरों के साथ मेरे खिलाफ आए हो? किसी को भी आपके खिलाफ जाने की क्षमता नहीं है, आप इस राज्य के राजा हैं। ये जंगल, पहाड़, नदी सब आपके ही हैं। इस जंगल के आदमी आपके ही नागरिक हैं। आप महाराजा हैं। भालू के इन बातों से राजा बहुत खुश हुआ। आप यहाँ के लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? वो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये नागरिक और जानवर इस जंगल को छोड़कर कैसे रह पाएंगे? क्या आप यहाँ अपने विलास के लिए हवेली बनाएंगे? बालू के इन प्रश्नों से सभी आश्चर्यचकित हो गए। सब लोगों ने सोचा कि राजा उसे मार देंगे। हमारे राजा इस जंगल में शिकार करने आएंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ के पेड़ों को काट कर ले जाएंगे। राज्य में जंगल के लोगों का घूमना अच्छी नहीं है, राज परिवार को अपनी एक पहचान होनी चाहिए। प्रभु, अगर आपको सामान्य लोगों की तरह वही कपड़े और चीजों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, तो फिर आप वही हवा की सांस क्यों ले रहे हो जो यहाँ के लोग ले रहे हैं? उसी तरह आप उसी पानी को क्यों पी रहे हो जो यहाँ के लोग पी रहे हैं? और आप उसी रास्ते पे चल रहे हो जहाँ वो चल रहे हैं, क्या आपको ये अपमानित नहीं लग रहा? प्रभु, जानवरों का शिकार आपके लिए एक विलास है। इन जानवरों को देखिए, अपने हाथों मारना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसी में खुशी हैं, तो उन जानवरों को मार दीजिए। मगर मत भूलिए, जंगल के जानवर और पेड़ों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। बेटा, मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ। आज के बाद मैं जंगल के हर इंसान को अपने रिश्तेदार मानूंगा और जानवरों को अपने बच्चों और पेड़ों को अपने हाथ पैर की तरह मानूंगा।
आसमान में कुछ पक्षी दूर के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। भालू ने पता करने के लिए बाज को भेजा। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। चलो चलकर देखते हैं। मेरी रक्षा करो। अगर तुम चढ़े तो हम तुम्हें मार देंगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें मगरमच्छ से बचाया था? तुम मुझे कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हारा नाम बालू है? हाँ। क्या तुमने इससे पहले किसको इधर आते हुए देखा? हाँ देखा था, लेकिन वे सभी मारे गए। इस बीच उस जहाज के बाकी लोग भी वहाँ आ गए। उन दोनों ने बाकी लोगों को बालू के साहस को बारे में बताया। बहुत अच्छा बालू, हमने सुना है कि उस पहाड़ पर बहुत सारे मूल्यवान पत्थर और जड़ी बूटियां हैं। इससे पहले कुछ लोग उन पत्थरों के लिए ही आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आए। हम लोगों के अच्छे के लिए आए हैं। अगर तुम उन पत्थरों को खोजने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें मूल्यवान तोहफा मिलेंगे। मैंने तोहफों के लिए उन लोगों को नहीं बचाया। अगर उन पत्थरों और जड़ी बूटियों से मानव का कल्याण होता है तो मैं अवश्य मदद करूंगा। चलो चलते हैं। सब लोग गुफा के अंदर गए जो उस पहाड़ पर है। अंधेरा होने के कारण उन्होंने लालटेन जलाया। जॉनसन ने उस कंकाल के नाप लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह कंकाल वैज्ञानिक लॉरेंस के हैं।
चलो चलकर देखते हैं कि वो लोग हमारे दोस्तों के साथ क्या कर रहा है। गुफा पत्थरों और जड़ी बूटियों से भरा है। जॉनसन ने एक गोरिल्ला पर गोली चलाई, लेकिन गोरिल्ला ने हाथ से गोली रोक दिया। तब बालू ने एक पत्थर उठाकर गोरिल्ला के मुंह के ऊपर मारा। पत्थर गोरिल्ला को इतने जोर से लगा कि गोरिल्ला नीचे गिर गया। जॉनसन ने अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां दबा दी। सभी गोरिल्ले बालू के मारे पत्थरों से मर गए। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर बबलू, हैंड्स अप। अब्दुल्ला, तुम हो? इन पत्थरों और जड़ी बूटियों को मैं अकेले ही ले जाऊंगा। बालू के फेंके हुए पत्थर से अब्दुल्ला मर गया। जॉनसन ने भी अब्दुल्ला के तरह ही किया। बालू, ये पत्थर गोलियों से भी ज्यादा तेज है। गोरिल्ला भी तुम्हारे फेंके हुए पत्थरों से ही मारे, गोलियों से नहीं। ये पत्थर इंसान के लिए बुरे हैं। ये इंसानों को मारने के लिए काम आते हैं। लोग गलत हैं। जॉनसन उन सबसे शातिर हैं। जॉनसन की जान बाज के द्वारा मारी गई गोली से गई। दोस्त, जॉनसन की मौत को गलत सोच मत दो। अगर वो जिंदा है तो हमें भी मार देंगे। वह इन पत्थरों को अपने साथ ले जाकर हथियार बनाएंगे। हाँ, सब इंसान हमारे तरह अच्छे नहीं होते। चलो हम अपने गुफा को चलते हैं। बिल्ली और चूहे के बीच जाति भेदभाव होने के बावजूद दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बिल्ली एक घर में घुसकर चोरी छुपे दूध पीने लगी। उस घर के मालिक